नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। पेट्स जलालपुर के चार छात्रों ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में मारी बाजी। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिखित परीक्षा में पेटल्स इंटरनल टेक्नो स्कूल जलालपुर अपर भेल्दी सारण के छात्रों ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। इस परीक्षा में विद्यालय के पाँचवीं कक्षा के चार छात्र शामिल हुए थे, जिसमें चारों ही क्रमशः कलश राजपूत, बागीश कुमार तिवारी, सत्यम प्रताप एवं कुमार सिद्धांत का चयन हुआ है। बच्चों के शानदार सफलता पर स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रोफेसर शिवानंद उपाध्याय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्रों को मिठाई खिला उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयारी की जाती है। इसके लिए शिक्षक, विद्यालय के छात्र, अभिभावक सबका सहयोग से ही असंभव हो पाया है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, शिक्षक इंजीनियर मुरारी सिंह, देवेंद्र दुबे, पीएन प्रसाद, तुलसी राय, प्रीति सिंह, अमिता सिंह, राजेश तिवारी, सुरेंद्र माझी, शैलेश सिंह आदि मौजूद थे। अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। कहाँ पे मौजूद है? सैनिक स्कूल में आपका भी चयन हुआ है, हालांकि अभी दो चरण और बाकी है। अपने आप को कितने सफल मान रहे हैं और यहाँ के शिक्षकों के बारे में आपकी क्या राय है? सर, अच्छा पढ़ाते हैं। कितने दिनों की मेहनत का यह फल मिल पाया है? 9 दिनों का। प्रताप है, मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पेटल्स इंटरनल टेक्नो स्कूल में। अच्छा, सैनिक स्कूल में आपका चयन हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना? मुरारी सर हमें अच्छे से तैयारी करवाए, इसलिए हम लोग आज सैनिक स्कूल में हैं। इतने कम समय में आपका चयन हुआ है पहले चरण में, क्या कहेंगे यहाँ के बच्चों को आप इस स्कूल को लेकर? हमारे स्कूल के टीचर हमें अच्छे से हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे उनको समझते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्यम प्रताप। कहाँ घर है? भेल्दी बाजार। आपका चयन कहाँ हुआ है? सैनिक स्कूल के परीक्षा में आपका चयन हुआ है, क्या कहेंगे स्कूल शिक्षकों को तैयारी को लेकर? लगभग कितने महीने की आपके बच्चे को यहाँ स्कूल प्रबंधक द्वारा सैनिक स्कूल में चयनित होने पर सम्मान दिया जा रहा है, कैसा महसूस कर रही है? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हर एक गार्जियन के लिए और एक महिला होने के नाते भी मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस कर रही हूँ। ग्रामीण प्रवेश में पेटल्स स्कूल का यह चमत्कार कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ मैं चाहती हूँ कि हर साल इस स्कूल से सारे बहुत से विद्यार्थी सफल हों इस परीक्षा में। क्या नाम है आपके बच्चे का? जी, मेरे बच्चे का नाम है कुमार सिद्धांत। कितना क्लास में है? वो क्लास 5 में। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम प्रीति। जिस रूप में तैयारी कराए थे, क्या लग रहा परचम लहरा पाएंगे बच्चे? बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद था कि ये लोग करेंगे अच्छा, और इनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना भी कर रहे हैं, और साथ में जो आने वाला स्टेज है उसमें किस्मत से प्रार्थना करूँगा कि और अच्छा बेहतर करें। और साथ कौन, में कौन कौन लड़के चयनित हुए हैं कुछ बता सकते हैं? वर्ग 5 से हमारे जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उसमें वागीश कुमार, सत्यम कुमार, कलश राजपूत और सिद्धांत, ये 4 बच्चे जो हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब बच्चे प्रथम अटेम्प्ट में रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो इसे अपना नहीं सिर्फ विद्यालय का भी नाम जो है रोशन करते हैं। इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है, इनको इसलिए धन्यवाद। अभी और ओरल टेस्ट देना है, कितनी खुशी हो रही है? पहली बार एग्जाम दी है, 147 नंबर लाई है, खुशी का। आप काफ़ी भावुक हो रही हैं, कहाँ घर पड़ेगा आपका? फिरोजपुर, अमनौर फिरोजपुर। क्या नाम है आपके बच्चे का? कलश राजपूत। कितने क्लास में है पढ़ता है? 6 क्लास में। किस स्कूल में? पेटर्स स्कूल में। इस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? स्कूल अच्छी है, स्टडी अच्छी कराती हैं, टीचर लोग का भी सहयोग है, अच्छा मानते हैं, इससे भी आगे प्रोग्रेस मेरे बच्चे करें इसके लिए उम्मीद रखी हूँ।
आज महिला दिवस भी है, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आप भी प्रेरणादायक हैं, एक माँ हैं, बच्चे के प्रति आपका भी पूरा ध्यान रहता है, क्या कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को? इसी तरीका बच्चे के प्रति जागरूक रहें, जो भी माता पिता बच्चे के हैं, प्रथम पाठशाला माँ बाप ही होते हैं बच्चे को जागरूक करने के लिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर टीचर आते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमिता सिंह। इसका कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिल रहा है, आपके विद्यालय से बच्चे सैनिक स्कूल में सफल हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? काफ़ी हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है, इसके पहले भी लड़के क्वालिफाई किए हैं, हमारी इच्छा है कि प्रतिवर्ष 10-20 लड़के हमारे यहाँ से निकले, हम लोग उसी तरह से नर्सरी क्लास से ही हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं ताकि। कितना समय लगा सर इस बगिया को सींचने में? हम लोग 2001 से ही विद्यालय चला रहे थे, पहले घर पर चल रहा था, बीपेक्स की स्थापना 1914 में किया गया। कितने बच्चे सफल हुए हैं सर आज? इस वर्ष सैनिक स्कूल में 4 लड़के आए हैं, अभी नवोदय का एग्जाम बाकी है। क्या कहेंगे अभिभावकों को, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को क्या कहेंगे? अभिभावकों को हम कहेंगे कि सही अपना गाइडेंस दें बच्चों को, उनका रख रखाव सही ढंग से करें, और बच्चे को कहेंगे कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करें, निश्चित सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी, और जो भी उनका लक्ष्य है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर मेरा नाम शिवानंद उपाध्याय हुआ। किस स्कूल के आप? विद्यालय का संचालक। जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में 17-20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ, वर्ग नर्सरी से 11वीं तक, आज ही संपर्क करें। जे आर कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461।